हेलो स्टूडेंट, सर्व शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने फॉर्मिंग नंबर वाला टॉपिक पढ़ा है तो आप इजीली कर सकते हैं, यदि नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट फाइव डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। आपसे इसमें पूछा गया है कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट फाइव डिजिट नंबर का, बट यहाँ पे फाइव डिजिट का नंबर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट है कहाँ। तो इसके लिए बोला गया है यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस, मतलब 6, 2, 7, 4, 3 इन पांचों डिजिट को फॉर्म करके हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है एंड एक लीस्ट नंबर बनाना है, देन उनका डिफरेंस फाइंड करना है। बट इन पांचों डिजिट का यूज एक नंबर बनाने में इस तरह से करना है कि एक डिजिट एक ही बार आए, मतलब डिजिट को रिपीट नहीं करना है। पहले मैं यहाँ पे डिजिट लिख देता हूं, ये है आपके डिजिट्स, इन्हीं डिजिट के यूज से हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर में जो नंबर की शुरुआत है वह ग्रेटेस्ट डिजिट से होती है, तो इन पांचों में ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, 7 है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए 7। अब आपने 7 का यूज कर लिया है, इसे आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, यही लिखा गया है यहाँ पे ओनली वंस का मतलब यही है। अब 6, 2, 4, 3 में ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, 6 है, तो 6 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपने 6 को भी यूज कर लिया है, अब इसको दोबारा यूज नहीं करना है। अब 2, 4, 3 बचा है, तो 2, 4, 3 में ग्रेट डिजिट कौन सा है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। 4 का भी यूज कर लिया, इसे दोबारा नहीं लेना है। एंड 2, 3 बचा है, 3 ही सबसे बड़ा डिजिट है 2 एंड 3 में, तो 3 लिख देंगे, देन 2। देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया है। जैसा अभी मैंने बताया है, सबसे इजी तरीका है नंबर फॉर्म करने का। एंड यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व किया जा सकता है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर के लिए नंबर को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देख लीजिए, सबसे बड़ा नंबर पहले है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। अब इन्हीं डिजिट का यूज करके हमें लीस्ट नंबर बनाना है। लीस्ट नंबर के लिए आपको क्या करना है, ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है इसी को रिवर्स लिख दीजिए। रिवर्स मतलब जो सबसे लास्ट में लिखा है आपने उसको पहले लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर में 2 लिखा है लास्ट में, तो लिस्ट में फर्स्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेट नंबर की शुरुआत बड़े डिजिट से होती है, लिस्ट नंबर की शुरुआत छोटे डिजिट से होती है। तो ग्रेट नंबर के लास्ट में सबसे छोटा डिजिट है, तो ये पहले यहाँ पे छोटा डिजिट आ गया। देन 3 लिखेंगे, देन 4 लिखेंगे, देन 6, देन 7, मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर को रिवर्स कर देंगे तो बन जाएगा लिस्ट नंबर। 3 आ गया, देन 4, देन 6 एंड देन 7। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर को ही आपने रिवर्स कर दिया तो लीस्ट नंबर बन गया है। अब यहाँ पे हमें इसका डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे लेंगे कैरी, तो ये 12 बन जाएगा। देन 12 माइनस 7 5। अब यहाँ पे 3 माइनस 6 है, यहाँ भी आपको कैरी लेना पड़ेगा, तो ये 13 हो जाएगा। बट ऑलरेडी 1 आपने कैरी यहाँ दे रखा है, तो यह 12 कहलाएगा। 12 माइनस 6 6, देन ये 4 है, बट ऑलरेडी आपने 1 कैरी दे रखा है, तो ये 3 हो जाएगा। एंड 3 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो वापस यहाँ पे कैरी लेके इसको 13 बना लेंगे। 13 माइनस 4 9 हो जाएगा। देन ये 6 है, आपने यहाँ पे 1 कैरी दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा 5। तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, तो 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। तो ये आ गया है ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस, 52,965, यही है आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।